तो मैं भी मीडिया से हट जाओ हट जाओ। अरे ये ना बाथरूम में जा तो यार कौन था बाथरूम आ रहा है मेरा चल रहे हैं सरकारी अंदर कर दो आप। अरे यार बाथरूम हां अरे बाथरूम आ रहा है मेरे को यार तो ये रहा ना बाथरूम करना बैठो बाथरूम आ रहा है मेरे को यार गाड़ी बैठा इसको चला गाड़ी में भेज दो बंद करो गाड़ी। Make no compromise in your child's education. Join the number one school in Ajmer, Delhi World Public School. Admission open, pre nursery to class 9. अजमेर के केसरगंज इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब दिल्ली से अजमेर पहुंची एक टीम ने बोगस ग्राहक बनकर मशहूर चोर बनिए की दुकान पर वन विभाग का छापा पड़वाया। इस दौरान वन विभाग के दस्ते के साथ संबंधित एनजीओ के सदस्य भी दुकान पर मौजूद दिखाई दिए। प्राथमिक तौर पर जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक वन विभाग की टीम को दिल्ली के एक संस्था ने ये जानकारी दी थी कि केसरगंज स्थित चोर बनिए की दुकान पर प्रतिबंधित वन्य जीवों की हड्डियों से बनी दवाइयों की बिक्री हो रही है जो कि गैरकानूनी है। सूत्रों के मुताबिक वन विभाग की इस कार्रवाई में बारासिंगा के सिंगों के अवशेष से बनी जड़ी बूटियों की बिक्री की बात भी सामने आ रही है और अगर ये मामला सत्यापित हो जाता है तो इस मामले में दुकानदार को वन्यजीव अधिनियम के तहत लंबे कार्यवास की सजा का प्रावधान भी है। हालांकि जानकारी के मुताबिक फिलहाल वन विभाग की टीम चोर बनिए के जो दूसरे गोदाम हैं और जो घर हैं उन पर तलाशी अभियान करने में जुटी हुई है जिससे कार्रवाई में ऐसे प्रतिबंधित वन्यजीवों की हड्डियों से बनी जो दवाइयां हैं उनको प्राप्त किया सके। वहीं दूसरी ओर मामले में ये जानकारी भी सूत्रों से मिली है कि ये कार्रवाई महज चोर बनिए पर नहीं है बल्कि इसके जरिए संस्था और वन विभाग अब वन्यजीव तस्करों का पूरा नेटवर्क खंगालने की कोशिश में जुटी हुई है। साथ ही चोर बनिए के अलावा अजमेर शहर में और कौन कौन सी ऐसी दुकानें हैं जहां प्रतिबंधित वन्यजीवों के अवशेष से बनी कोई सामग्री बेची जा रही है। खैर अब वन विभाग ने आरोपी दुकानदार को हिरासत में ले लिया है और अब पूरे मामले में गहनता से जांच करने पर पूरे रैकेट के खुलासे की भी संभावना है। यहाँ पर देखें वन विभाग के सत्यनारायण शर्मा जी हैं वो भी यहाँ पर कर रहे हैं दवाई सारी मिल जाएगी। चलो चलो जी बाइट बंद देगा इसमें।